जिला सोलन के अर्की में वन पर्यवेक्षक कार्यालय के प्रांगण में वन मंडल विभाग के सौजन्य से वन अग्नि जागरूकता अभियान 2018 के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कुनिहार डीएफओ सतीश चंद्र ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में रैपिड फायर फोर्स का भी गठन किया गया। सोलन के अर्की वन पर्यवेक्षक कार्यालय के प्रांगण में वन मंडल विभाग हिमाचल प्रदेश के सौजन्य से वन अग्नि जागरूकता अभियान 2018 के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कुनिहार डीएफओ सतीश चंद्र ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम में रैपिड फॉरेस्ट फायर फाइटिंग फोर्स का गठन किया जा रहा है। जो भी इस फोर्स का सदस्य बनेगा उसे वन विभाग द्वारा वनों में लगने वाली आग के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को वनों में लगने वाली आग से जागरूक करना है। इसमें लोगों को नृत्य नाटिका और नुक्कड़ नाटिका के माध्यम से कलाकारों ने जागरूक किया। डीएफओ कुनिहार सतीश चंद नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि जंगलों से गुजरते समय कुछ व्यक्ति जली हुए सिगरेट या बीड़ी के टुकड़े जंगल में फेंक देते हैं, जो जंगल की सूखी घास व पत्तियों के संपर्क में आने से अग्नि का भयंकर रूप धारण कर लेते हैं, जिससे वन को क्षति पहुंचती है। आज अर्की वन परिक्षेत्र के प्रांगण में वन विभाग हिमाचल प्रदेश के सौजन्य से वनों में अग्नि की रोकथाम हेतु अभियान चला जा रहा है। इस बारे में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय क्षेत्रों से पंचायतों के प्रधान एवं महिला मंडल के सदस्य तथा स्कूल के बच्चों को आमंत्रित किया गया है, जिसका इसका जो आयोजन है वो वन प्रचार मंडल शिमला द्वारा किया जा रहा है, जिसमें नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को वनों के प्रति जागरूक, वनों को बचाने, आग लगने से बचाने हेतु जागरूक किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।